नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस धरती के चारों तरफ पानी ही पानी है, उसमें से कुछ बची हुई ज़मीन पर हम इंसान अपना घर बनाकर रह रहे हैं। दोस्तों, धरती पर 71% भूभाग पर जल है, जिसमें कई बड़े जहाज जैसे क्रूज, शिप आदि चलते हैं, जो हमें सारी दुनिया से जोड़ते हैं और हम उनके माध्यम से पूरी दुनिया घूमते हैं। उनमें से कई बड़े जहाज समुद्री तूफानों की चपेट में आकर समुद्र की गोद में समा गए। उनमें से ही एक है टाइटैनिक, जो एक बड़े से आइसबेकर से टकराकर समुद्र में डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो आप सभी जानते हैं और हम सब ने देखा भी है। सन 1997 में आई टाइटैनिक मूवी में आपने देखा है कि कैसे एक सुंदर और विशाल जहाज आइसबेकर की चपेट में आकर समुद्र में डूब जाता है। आज भी टाइटैनिक मूवी का वह सीन हमारी यादों में जुड़ा है। लेकिन दोस्तों, आज हम टाइटैनिक जहाज की सुंदरता या उसके डूबने पर बात नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे क्यों टाइटैनिक जहाज को आज भी समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया, क्यों आज भी वह गहराई में पड़ा है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और चलिए ले चलते हैं आपको जानकारी की दुनिया में। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक सी में उस वक्त डूब गया था जब जहाज साउथैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जहाज में लगभग 2224 पैसेंजर व क्रू मेंबर थे, उसमें से लगभग 1500 लोग मारे गए थे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का डूबना उस दशक की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। जहाज को डूबने के बाद 73 सालों तक सरकारें व कंपनियां जहाज को ढूंढने की जी तोड़ प्रयास करती रही, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। और जहाज की खोज में बहुत सारे मिशन भी चलाए गए, पर कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी। 73 सालों बाद सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट व एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर ने जहाज खोजने का मिशन शुरू किया और बहुत कठिनाइयों के बाद उन्होंने जहाज को खोज निकाला। जानकारी के लिए आपको बता दें, आर्कियोलॉजिस्ट और नेवी ऑफिसर का नाम रॉबर्ट और बिल है। इनके द्वारा टाइटैनिक जहाज खोजने के बाद जहाज के डूबने के कई रहस्यों से पर्दा उठा। सच तो यह है कि जहाज आइसब्रेकर से टकराने के बाद जहाज में आग लगने की वजह से वह दो हिस्सों में टूट गया। दोस्तों, खोजियों द्वारा जहाज खोजने के बाद पता चला कि आज भी जहाज पर बहुत सारी चीज़ें वैसी ही है जैसे पहले थी। टाइटैनिक को बाहर निकालने की बहुत सारी कोशिशें की गई, पर सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि जहाज को बाहर निकालने में बहुत सारी मुश्किलें थी। सबसे पहले जहाज दो हिस्सों में टूट गया था। दूसरी, जहाज का वजन लगभग 1,80,000 किलो न्यूटन था, जो बहुत ज़्यादा था, और ऊपर से पानी का दबाव भी। दोस्तों, जिस जगह पर जहाज डूबा था उस जगह से एक वर्ग फीट की वस्तु बाहर लाने में ही 393 किलो न्यूटन फोर्स की ज़रूरत थी, जो कि बहुत अधिक है। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक या सबमरीन नहीं बना पाए जो आसानी से टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सके। आमतौर पर आजकल जहाज़ों को गहराई से बाहर निकाला जाता है, शायद उस तरह से टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जहाज दो हिस्सों में टूट कर डूबा था। दोस्तों, वैज्ञानिकों के पास टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई भी आइडिया नहीं था, तो उन्होंने बहुत ही मज़ेदार तरीके अपनाए। अंग्रेज इंजीनियर जॉन पियर ने तरकीब लगाए। बर्फ़ की डेंसिटी बहुत कम होती है, उन्होंने सोचा कि जहाँ टाइटैनिक है वहाँ आसपास के पानी को बर्फ़ में बदल दिया जाए तो टाइटैनिक पानी के ऊपर आ जाएगा। फिर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि इस प्रोजेक्ट में लिक्विड नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, पर समस्या यह थी कि इतनी अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन को समुद्र की गहराइयों में ले जाया कैसे जाएगा। फिर यह आइडिया भी फ्लॉप हुआ। अगला आइडिया, पिंग पोंग बॉल। जी हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि पिंग पोंग बॉल टाइटैनिक जहाज में भर देंगे। पिंग पोंग बॉल जहाज पर ऊपर की ओर दबाव डाले और पावरफुल मैग्नेटिक या सबमरीन की मदद से जहाज को बाहर निकाला जा सकता है। पर वैज्ञानिकों ने यह दिमाग नहीं लगाया कि पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराइयों में जाते ही पानी के दबाव से फट जाएगी। यह भी एक फ्लॉप आइडिया था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने बलून्स की मदद से जहाज को बाहर निकालने के बारे में सोचा, पर यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया। इसके मुताबिक पहले टाइटैनिक की गंदगी और सेवाल को साफ करना होगा, जिसके लिए एक बड़े से वैक्यूम क्लीनर की आवश्यकता थी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता थी, पर समस्या यह है कि समुद्र में यह पावर प्लांट कैसे लगाया जाए। वैज्ञानिकों ने फ्लोटिंग पावर प्लांट के बारे में सोचा, लेकिन इसके बाद समुद्र में केबल को कैसे बिछाया जाए, क्योंकि पानी के दबाव से केबल फट जाएगी, तो तुरंत ये प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, कई कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा,
पर इस प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा खर्चा आ रहा था कि टाइटेनिक को अगर म्यूजियम बना दिया जाए तो भी इस रकम को रिकवर कर पाने में लगभग 100 वर्ष लग जाएंगे। तो यह सौदा कंपनी को घाटे का सौदा लगा। इन्हीं कारणों से जहाज को बाहर नहीं निकाला गया। दोस्तों, टाइटेनिक समुद्री मछलियों का घर बना चुका है, इसलिए स्नेस्को ने साल 2001 में टाइटेनिक अंडरवाटर कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस जहाज़ को निकालने में जितना खर्च है उससे कई दूसरे नए जहाज़ खरीदे जा सकते हैं, इसलिए कोई भी कंपनी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। अगर ये टाइटेनिक ऐसे ही आगे भी यदि समुद्र की गहराइयों में बना रहता है तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस जहाज़ की रहस्यमय गाथा को जान पाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको और भी अमेजिंग फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।